हेलो दोस्तों, अगेन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बना लेंगे और बहुत ही ज़्यादा कम तेल से बनता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इस नाश्ते को मॉर्निंग इवनिंग कभी भी बना सकते हैं, और जब कभी आपका हल्का फुल्का खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और बच्चों को आप टिफिन बॉक्स में भी इसे बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए फिर हम रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे दोस्तों। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का जो नाश्ता है हम लाल मसूर की दाल से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो दाल हमने लिया हुआ है ना, 200 ग्राम हमने जो है लाल मसूर की दाल लिया हुआ है। इसके अंदर हमने 150 ग्राम चने की दाल डाला हुआ है और 100 ग्राम के जितना इसमें हमने चावल डाला हुआ है। तो इस नाश्ते को हम जो है शाम के टाइम में बना रहे हैं, इवनिंग टाइम में। तो यहाँ पर हमने इसे मॉर्निंग में ही भिंगो करके रख दिया था। अगर आप इसे नाश्ता शाम को बना रहे हैं तो 2 घंटा पहले आप इसे भिंगो दीजिए गुनगुने पानी में, ये अच्छे से फूल जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दाल को हम सबसे पहले जो है अच्छे से 1-2 पानी से और धो लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे मिक्सी का जार। जो दाल हमने धुले हुए हैं सारे दाल को हम जो है इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। और ये नाश्ता बहुत ही सिंपल तरीके से हम बना करके तैयार करेंगे दोस्तों। उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी नहीं ज़रूरत है, बेसिक सामानों से आपका ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो है सारे जो है दाल को इसमें डाल दिया हुआ है। और इस नाश्ते की खास बात यह है दोस्तों कि ये बहुत ही कम तेल से बन करके तैयार होगा। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए, हमने दाल चावल को सबको डाल दिया है मिक्सी के जार में। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो है इसमें 150 ग्राम जितना लौकी को काट करके डाल दिया है। तो लौकी यहाँ पर मैंने जो है रफली काट के डाल दिया है, क्योंकि हमें इसे पीसना था, ग्राइंड ही करना था, तो मैंने यहाँ पर इसे बारीक नहीं किया है। और लौकी से ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लौकी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमने जो है लौकी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी कोई सब्जियाँ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और मैं इसे सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर 4 से 5 जो है हरी मिर्ची डाल देंगे। तीखा स्वाद के अनुसार आप रख सकते हैं, जितना भी आपको कम तीखा खाना पसंद हो, ज़्यादा खाना पसंद हो, आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है हरी मिर्ची डाला है, और बिल्कुल भी इस नाश्ते में लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे बिना पानी डाले पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो लौकी का पानी होता है, मॉइस्चर होता है, बस उसी से देखिए दाल पूरा अच्छे से पीस कर तैयार हो गया है। अब दाल को यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, और दाल को हमें थोड़ा सा तीखी पीसना था, इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना था, नहीं तो ये फिर पतला हो जाता, नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर हमें जो है ध्यान रखना है, पानी हमें कम ही डालना है दाल में। तो चलिए यहाँ पर जो है सारे दाल को हमने निकाल लिया है, और थोड़ा बहुत जो मिक्सी के जार में रह गया है इसे भी बिना वेस्ट किए अच्छे से निकाल लेते हैं। और दोस्तों, इस नाश्ते को मैं विंटर में खास बनाती हूँ, क्योंकि जब विंटर का समय आता है तो कितनी हेल्दी हेल्दी सी सब्जियां आने लगती हैं मार्केट में। तो आप इसमें जो है बच्चों को जो है आराम से इसमें जो है हेल्दी हेल्दी सब्जियां ऐड करके बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चे तो ऐसे सब्जियां वगैरह खाते नहीं हैं, अगर इस तरीके के कुछ नाश्ता हम बना करके देंगे तो बच्चे आसानी से खा लेंगे। और अब दाल को अच्छी तरीके से ये देखिए मैंने निकाल लिया है, और अब इसके अंदर डाल देंगे 4 बड़े चम्मच के जितना सूजी। सूजी मैंने बस 4 चम्मच ही डाला है, और बारीक वाली सूजी है, यहाँ पर मोटी बारीक कोई भी सूजी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ 4 चम्मच डाला है, क्योंकि मैंने इसमें चावल भी भिंगोया हुआ था ना। अगर इसमें चावल आप नहीं भिंगो रहे हैं, केवल दाल से बना रहे हैं, तो आप जो है इसमें सूजी की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर सूजी को अच्छी तरीके से देखिए हमने मिक्स कर दिया है। अब इसके साथ थोड़े से इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने देखिए छोटा शिमला मिर्च, और मैंने एक गाजर लिया था जिसका मैंने आधा आधा भाग जो है इसमें कद्दूकस करके डाला है, क्योंकि हम इसे बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट को कम लिया है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो यहाँ पर सारी सब्जियों की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक प्याज को देखिए यहाँ पर लिया था, जिसे मैंने रफली काट करके डाला है, और प्याज को भी मैंने जो है छोटे साइज़ का ही लिया हुआ है। और सभी चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से इसको जो है मिक्स कर देंगे। और इसके बाद जो है फ्रेंड इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया। हरी धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर डालिएगा। और आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा करी पत्ता भी आप इसमें डाल सकते हैं बारीक काट करके, करी पत्ता भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर हरी धनिया नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और नाश्ता थोड़ा सा स्वादिष्ट बने जिसके लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा मसाला। तो मसाला मैंने यहाँ पर पास्ता वाला लिया हुआ है, 1 पाउच मैंने इसमें पूरा इस्तेमाल किया है दोस्तों। आप चाहे तो इसमें पाव भाजी मसाला, या फिर आप इसके बिना भी, मसाले के बिना भी इसको बना सकते हैं।
और या फिर अपने फ्लेवर का मसाला इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने डाल दिया है मसाले को, अब अच्छी तरीके से एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर हमने देखिए सारे चीज़ों को डाल दिया है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। आप इसको 5 मिनट के लिए बस ढक करके छोड़ देंगे, जिससे जो हमने सूजी डाला हुआ है सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। बस 5 मिनट का रेस्ट देना है, बहुत देर इसे नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे और जो आज का नाश्ता है हम इसमें बिल्कुल भी इनो सोडा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बस छोड़ देंगे। उसके बाद फिर नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों देख सकते हैं 5 मिनट हमारा हो चुका था, तो यहाँ पर ये देखिए बैटर अच्छे तरीके से फूल गया है और अब बैटर तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस को ऑन कर देंगे और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है अप्पे पैन। तो यहाँ पर जो अप्पे का पैन है ना, ये आयरन का है और इसका नॉनस्टिक कोटिंग जो है दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा छूट गया है, पर नाश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाश्ता स्वादार बन करके तैयार होता है, तो यहाँ पर आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो हमने जो है तेल को थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है और देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे तिल और थोड़ी थोड़ी सी राई, तो हमने सब में डाल दिया है और जो हमने बैटर बना करके रखा हुआ है ना उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर फिल कर देंगे। तो सभी खानों में हमें जो है एक समान इसमें जो है दाल को भरना है और लाल मसूर दाल और लौकी के साथ में इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई करना, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके आगे जो है पकौड़ी समोसा कचौड़ी सब फीका है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये बंद भी बहुत जल्दी जाते हैं, इसे हम आराम से बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है सभी में जो है थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से अच्छे से इसको फिल कर दिया है और जो नाश्ता है इसमें मैंने बिल्कुल भी इनो सोडा किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आगे आप देखिएगा ये बहुत फूले फूले से बन करके तैयार होंगे और रेसिपी में एंड तक बने रहे। और दोस्तों ये देखिए मैंने जो है सारे में ही अच्छे तरीके से फिल कर दिया है। गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखना है, धीमी आँच पे ही इसे बनाना है और धीमी आँच पे इसे ना बस ढक करके हमें छोड़ देना है। इसे 2 से 3 मिनट के बाद जो है इसे हम धीरे से पलटेंगे। बीच में आप इसको चेक कर सकते हैं और आपके गैस की फ्लेम के ऊपर भी है कि अगर ये बहुत तेज़ अगर जल रहा है तो आप इसे कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आप ना क्या करिएगा, आप पैन को जो है एक आपके घर में रोटी बनाने वाला तवा तो होगा, तवा को आप जो है गर्म कीजिएगा, गैस की फ्लेम को लो पे कर दीजिएगा और अप्पे पैन को उसके ऊपर रख करके ढक दीजिएगा। फिर धीमी आँच पे आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से अप्पे बन करके तैयार होगा, क्योंकि इसे लो फ्लेम पर ही बनाना होता है। जितने अच्छे तरीके से ये धीमी आँच पे पकेगा ना अंदर तक बढ़िया से कुक होगा और अच्छे से ये जो है क्रिस्पी भी होगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आँच को धीमा कर दिया है और इसे ढक देंगे और आपको 2 मिनट बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 2 मिनट हो चुका था, तो मैंने इसको चेक किया तो आप देख सकते हैं ऊपर से कितने अच्छे तरीके से ये ड्राई हो गए हैं और नीचे से इनका कलर देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा आया हुआ है। तो बस अब एक एक करके सारे अप्पे को ना हम पलट देंगे और आप देख सकते हैं हमने कितना कम तेल का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम तेल इसके अंदर हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा इसको पलटने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया है ये आयरन का है और नॉनस्टिक कोटिंग इसकी छूट गई है ना, तो बस थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा बनकर के नाश्ता तैयार होता है। और कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो है सारे को ही इसी तरीके से पलट लेंगे और फिर से इसको ढक करके फिर से इसको हम जो है दूसरे साइड से भी हल्का हल्का सा तेल जो है डाल देंगे किनारों में और इसे अच्छे से कुक होने देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने सारे को पलट दिया है, अब थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तो बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर के तैयार होता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। कभी भी आपको तेल मसाले वाला ज़्यादा चीज़ें नहीं खाना पसंद हो, नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है हल्का हल्का तेल डाल दिया है, इसको ढक देंगे और उसके बाद इसको दोनों तरफ से इसे जो है अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो हल्के हल्के जब ये जो है क्रिस्पी हो जाते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से ये सेक रहे हैं और बहुत ही कम तेल से ये बना हुआ है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस नाश्ता। और इसी प्रोसेस से दोस्तों हम सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे और आपको हम सर्व करके भी दिखाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ये हमारा 2nd बैच का नाश्ता है, तो हम जो है दोनों बैच का इकट्ठा ही बना करके आपको साथ जो है इसको शेयर कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा लाइट कलर आया है और थोड़ा सा पहले बैच का हल्का सा डार्क हो गया था, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार हुआ है।
तो आज की ये रेसिपी आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।